क्या आप जानते हैं कि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यह चार युग है जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों यानी एक कल्प में समाप्त होते हैं। पुराणों में बहुत सी जगह श्री विष्णु भगवान के कल्कि अवतार का भी वर्णन मिलता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कलयुग का कालखंड चतुर युगों में सबसे छोटा होगा। हमारी आज की प्रस्तुति में हम कलयुग का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। कृपया ज्ञान वृद्धि हेतु वीडियो को अंत तक देखें व धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुनियों के आग्रह करने पर व्यास जी ने कलयुग का संक्षिप्त में वर्णन किया। वह कहते हैं कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। मनुष्य सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की आज्ञा के पालन में प्रवृत्त नहीं होगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, बल्कि विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में क्यों नहीं उत्पन्न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। कलयुग में थोड़े से ही धन से मनुष्य को बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। सुवर्ण, मणि और रतन आदि तथा वस्त्रों के भी नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। उस समय धनवान पुरुष ही युवतियों का स्वामी होगा। द्रव्यराशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। धन न होने पर दान पुण्य आदि न होंगे। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। हाव भाव विलास में ही उनकी इच्छा रहेगी। मनुष्य एक एक पाई के लिए भी दूसरों के स्वार्थ की हानि कर देंगे। गायों के प्रति तभी तक गौरव रहेगा जब तक कि वह दूध देती रहेगी। कलयुग में सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से दुखी मनुष्य तपस्वी जनों की भांति मूल फल और पत्ते खाकर रहेंगे और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। स्त्रियां गुरुजनों तथा पति की आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगी तथा पर्दे के भीतर नहीं रहेंगी। इतना ही नहीं, वह देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य एवं कटु वचन बोलेंगी। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे और न सत्पात्र को उचित दान देंगे। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर लेने के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करने वाले होंगे। उस समय जिस जिसके पास हाथी, घोड़े और रथ होंगे वही राजा होगा और जो जो निर्बल होंगे वही सेवक होंगे। कलयुग में पाखंड से दूषित चित वाले मनुष्य सबकी सृष्टि करने वाले जगतपति भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेंगे। कलयुग का प्रकोप बढ़ने के बाद वेद मार्ग लोप, पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु बहुत थोड़ी होगी। कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों को ही संतानें होने लग जाएंगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफेद होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर कोई मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट अंतःकरण वाले होंगे, अतः वे थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएंगे। भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी।
कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। कलयुग में प्रायः लोग घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर के दोषों से प्रभावित होकर प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। उस समय स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई विरला ही होगा। इन सभी बातों के अतिरिक्त एक विशेषता अवश्य है। कलयुग में थोड़ा सा ही प्रयत्न करने पर मनुष्य वह उत्तम पुण्य राशि प्राप्त कर सकता है, जो सत्ययुग में बहुत बड़ी तपस्या से ही साध्य हो सकती थी। व्यास जी यह भी कहते हैं कि सत्ययुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचार्य और जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, वह त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में 1 दिन रात के ही अनुष्ठान से मिल जाता है। इसीलिए व्यास जी कलयुग को श्रेष्ठ बताते हैं। सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ द्वारा योजन और द्वापर में पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वही कलयुग में श्री हरि का नाम कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान कल्कि की 10वें अवतार के रूप में चर्चा है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंतिम दिनों में संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार होगा। वह भगवान के परम भक्त होंगे। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। वह देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारेंगे। वह पृथ्वी पर विलुप्त धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सत्ययुग का प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा सुख चैन से रहने लगेगी। चराचर जगत के स्वामी भगवान कल्कि को हम सब प्रणाम करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।